तो ऑल लोडो कैसे हो, स्वागत है तुम्हारा एक और नई वीडियो में, जिसमें हम लोग टेस्ट करेंगे कि भाई फोर्टनाइट कैसा क्या परफॉर्म करता है रियलमी एक्स थ्री में। अब वैसे तो हम सबको ही पता है कि फोर्टनाइट सिर्फ फ्लैगशिप डिवाइसेस में चलता है, बट यार रियलमी एक्स थ्री में लगा तो फ्लैगशिप प्रोसेसर है, बट यार ये 30,000 के अंदर आता है, सिर्फ 26,000 में आपको मिल जाएगा इसका 8 GB रैम वाला वेरिएंट। तो यार ये थोड़ा देखना इंटरेस्टेड होगा कि 26,000 के मोबाइल में फोर्टनाइट कैसा क्या परफॉर्म करता है। वैसे तो हमने पबजी को भी फुल ग्राफिक्स पर टेस्ट करा हुआ है, तो अगर आप उस वीडियो में इंटरेस्टेड हो तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। बट यार देखो, फोर्टनाइट अब मैं ग्राफिक वाइज तो बहुत इंटेंसिव नहीं बोलूंगा, क्योंकि यार पबजी भी कम नहीं है, बट हाँ ये बहुत हैवी गेम है भाई, 7 से 8 GB का तो गेम ही है, फिर उसके अंदर भी रिसोर्स ट्रैक वगैरह, तो मतलब 10-11 GB पहुंच जाता है भाई। कहते हैं इसका अपडेट 4 GB का आया था, मतलब मैंने फट गई थी यार, 4 GB का अपडेट मोबाइल, भाई मोबाइल गेम्स में कौन देता है यार। खैर इन सब बात को रख के साइड में, खैर इस टेस्ट का यही तो बनता है कि अगर फोर्टनाइट अगर रियलमी एक्स थ्री में ढंग का चल जाता है तो भाई ये मोबाइल कहते हैं बेस्ट है भाई 26,000 में। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग बढ़ते हैं आगे, और मैं गेम लॉन्च करके आपको बताता हूँ कि गेम लॉन्च होने में कितना टाइम लगता है, और फिर हम लोग एक मैच खेल के देखेंगे। वैसे आप लोग मेरे मैच की स्किल को जज मत करना, मैं फोर्टनाइट बिल्कुल नहीं खेलता हूँ, पबजी प्लेयर हूँ। तो बस आप थोड़ा सा बस एक आइडिया के लिए इस वीडियो को देख सकते हैं कि रियलमी एक्स थ्री में कैसा फोर्टनाइट चलेगा। तो पहले तो हम लोग इसको लोड हो जाने देते हैं, फिर आगे बात करते हैं। अब गेम हो चुका है फाइनली लोड, तो सबसे पहले तो मैं आपको इसकी सेटिंग्स बता देता हूँ। वैसे तो यार मुझे लगा था कि इसमें 60 FPS आराम से चलेगा, बट फ्रेम रेट में सिर्फ 30 FPS का ही ऑप्शन आ रहा है। मैंने क्वालिटी प्रीसेट मतलब ग्राफिक जी की जो क्वालिटी थी वो मैंने मतलब सबसे लो भी सेट करके देखी, बट उससे भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था, तो मैंने इसको एपिक में ही चला दिया और 30 FPS आ रहा था। अगर आप इसको एपिक से नीचे करेंगे तो देखो यार 30 FPS में थोड़ा बहुत लैग तो आपको महसूस हो गई होगा, बट अगर आप ग्राफिक को एपिक से हाई कर देंगे तो गेम काफ़ी सही चलेगा। और अभी मैं इसको रिकॉर्ड करूँगा इसलिए भी आपको थोड़े लैग और शटर देखने को मिल जाएंगे, बट हाँ अगर आप इसको बिना रिकॉर्ड करे खेलें, और इवेंचुअली अगर आप रिकॉर्ड भी करना चाहते हैं तो ग्राफिक क्वालिटी को एपिक पर ना सेट करिए, बस आप उसको हाई पर रखिए तो गेम काफ़ी स्मूथ चलेगा। 30 FPS आपको वो कांस्टेंट देगा, मैंने कहने का ये मतलब है बार बार शटर्ड या फिर फ्रेम ड्रॉप नहीं होंगे। और ये जो कैमरा की शेकिनेस है यार उसके लिए सॉरी, एक्चुअली कैमरा अवेलेबल नहीं था, मतलब जो मोबाइल था मेरे पास उसमें स्टेबलाइजेशन मोड नहीं था, तो ये वीडियो थोड़ी सी ऐसी बन रही है, बट फ्यूचर में जो भी इस टाइप की वीडियो आएंगी मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि वो सारी अच्छी होंगी, तो अभी थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए बस। अब लेफ्ट साइड में मैंने हैंड कैम रख दिया और नॉर्मली आप गेम की स्क्रीन रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। अब गेम जो है तो वो कुछ कुछ जगह पे काफ़ी फ्रेम ड्रॉप्स देगा, मैं आपको इसके मिनिमम फ्रेम रेट जो जाएंगे वो जाएंगे करीबन 19 FPS तक, और ये 30 FPS भी मतलब पूरी तरह से मेंटेन नहीं कर पा रहा है एपिक ग्राफिक्स पे। अब बोल सकते हो 29-27 ही चल रहा है, और जो मिनिमम है वो 19 जा रहा है जहाँ तक मतलब मैंने देखा था। जब आपकी गन फाइट होती है क्लोज में तब तो आपको नॉर्मली 25 FPS आ रहे होते हैं, आप ऊपर स्क्रीन पर देख सकते हैं, अभी मेरी गन फाइट भी होगी तो आपको समझ में आ जाएगा ईजिली। ऑल अराउंड अगर मैं आपको अभी से ये कंक्लूजन दूं तो आप बोल सकते हैं कि अगर आप इसके एपिक ग्राफिक्स पूरे डाउनलोड कर लेंगे, खैर अभी तो आपको काफ़ी ये अननेचुरल सा लगेगा क्योंकि मैंने इसके ग्राफिक्स पूरे डाउनलोड नहीं करे। आपको गेम को डाउनलोड करने के बाद एक्चुअली इस वाले फोर्टनाइट गेम में ऐसा है कि गेम को डाउनलोड करने के बाद आपको उसको फुल ग्राफिक्स भी अलग से डाउनलोड करने पड़ते हैं, जो मेरे ख्याल से 2 से 3 GB के हैं, तो मैंने सोचा यार वो कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा और आई थिंक उसकी नीड नहीं है, तो मैंने सोचा आपको मैं ऐसे ही दिखा दूँ। तो अगर आप प्रीसेट क्वालिटी ग्राफिक की अगर हाई रखेंगे और 30 FPS पे सिलेक्ट करेंगे तो मेरे ख्याल से गेम काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा रियलमी एक्स थ्री में, क्योंकि यार एक फ्लैगशिप प्रोसेसर है और मेरे ख्याल से वो काफ़ी सही परफॉर्म करेगा। बट मैंने आपको एपिक ग्राफिक्स पे इसलिए दिखाया क्योंकि मैंने सोचा आपको मैं मैक्स ग्राफिक पे दिखा दूँ वीडियो, तो उससे आपको अंदाज़ा लग ही जाएगा कि अगर मैक्स ग्राफिक पर ऐसी चल रही है तो ये नॉर्मली हाई ग्राफिक्स या फिर उससे लो ग्राफिक्स पर कैसे चलेगी। बाकी आप हैंड कैम में भी देख सकते हैं कि रियल टाइम लैग वगैरह कहाँ पे हो रहा है, बट मेरे ख्याल से आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग में भी आराम से समझ में आ जाएगा, तो उसका कोई इशू नहीं है।
जैसे देखिए यहाँ पे काफ़ी फ्रेम ड्रॉप हुआ, मेरे ख्याल से मिनिमम 12 ही चला गया था सीधे सीधे, तो काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हैं हम, बट ये रिकॉर्डिंग करने की वजह से हो रहा है, आप ऐसा बोल सकते हैं। अब वैसे तो मेरी आगे जाके पेटी बनने वाली है, तो मैं आपको अगर फटाक से एक कंक्लूजन दूँ, तो अगर आप फोर्टनाइट प्लेयर हैं और आप सोच रहे हैं कि एक बजट फ़ोन चाहिए आपको 30,000 से अंदर, तो आप रियलमी X3 के लिए जा सकते हैं। अगर आप बोले तो मैं आपको एक वीडियो ऐसी बना के बता दूंगा जिसमें फुल ग्राफिक्स में डाउनलोड कर लूँगा और इसको हाई सेटिंग पर चला के बताऊँगा कि मैक्सिमम फ्रेम रेट कैसे दे सकता है। देखो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में थोड़ी बहुत दिक्कत तो आएगी मेरे ख्याल से, क्योंकि गेम काफ़ी हैवी है, बट अगर आप बिना स्क्रीन रिकॉर्डिंग के सिर्फ इन्जॉय करने के लिए गेम खेल रहे हैं, अगर आप अपलोड नहीं करते हैं, तो मेरे ख्याल से आप इसको काफ़ी इन्जॉय करेंगे। तो आई होप आपको आपका विजन मिल गया होगा कि अगर आप रियलमी X3 खरीदेंगे तो आपको कैसा क्या फोर्टनाइट का गेम प्ले या फिर मैक्सिमम फ्रेम वगैरह देखने को मिलेंगे। तो इतना ही था यार इस वीडियो में, अगर आपको वीडियो पसंद आई जरूर से इसको लाइक करना। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।